सभी भाइयों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाइयाँ। 26 तारीख को सुबह 5:30 बजे उठ के तैयार हो गए हैं, 6:30 बज गए, निकल रहे हैं राइड के लिए। सांभर लेक जाना होगा आज फिर दोबारा से, लेकिन आज एक अलग एक्सपीरियंस रहेगा क्योंकि आज हम जा रहे हैं बाइक पे पूरे ग्रुप के साथ, और लेके चलते हैं आपको हाईवे किंग पे। असेंबलिंग पॉइंट है, वहाँ पहुँचते हैं और फिर वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो भाई पहुंच गए हाईवे किंग असेंबलिंग पॉइंट पे। बाकी तो कहीं पे ठंड नहीं लगी, मुंह पे ठंड लगी क्योंकि मुंह ही नंगा था। और अभी सारे लोग आए नहीं हैं, 10-15 बाइक्स के करीब आ गई हैं, आ ही रहे हैं लोग। ये हाईवे का नज़ारा है सवेरे सवेरे का। ये भाई हमारे पीछे हैं सारी जावा वाली, जितने भी जावा की गाड़ियां हैं वो इधर इकट्ठी हो गई हैं, और बाकी जो हैं वो इस तरफ हैं, लाइन अप हो गई हैं। रॉयल इनफील्ड, पल्सर जो भी बाकी आई हैं वो इधर हैं। शेड्यूल टाइम से लेट चल रहे हैं, खैर अभी भी सारे लोग आए नहीं हैं। 7:15 का टाइम था यहाँ से निकलने का, लेकिन ऑलरेडी 7:18 तो हो गया। देखते हैं 10 मिनट में शायद निकलेंगे यहाँ से। आज हम जा रहे हैं आरजे वाई सी की राइड पे सांभर पॉइंट पे। अपोलो टायर वालों ने स्पॉन्सर किया है, वो लोग ब्रीफिंग दे रहे हैं अभी अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, और आप देख रहे हैं क्रेज़ जयपुर का। सुबह सुबह 5:30-6 बजे उठ के तैयार हो गए और सब लोग पहुंच गए राइड पर जाने के लिए। लगभग लगभग तैयारी हो गई है, अब 10 मिनट में निकलेंगे। टाइम थोड़ा सा ख्याल नहीं रखा, कोशिश करेंगे अगली बार से टाइम का भी पूरा ख्याल रखा जाए। अब देख रहे हो दो अलग अलग जनरेशंस की जावा एक साथ खड़ी हुई है, दोनों में कई डिकेड्स का फर्क है, बट लोगों का पैशन है, उस पैशन के लिए ये लोग अभी भी इसको मेंटेन करते हैं। मैंने कहा था कि भाई आगे जाने के लिए आगे जाने के लिए।
ये अपना पूरा कॉन्वॉय। पहुंच गए हैं सांबर लेक और सारी बाइक्स लाइन अप हो गई हैं, आ रहे हैं। अभी भी कुछ जो पीछे रह गए थे हमारे को हो गए, 5 मिनट पहुंचे हुए। और मैं अब आपको एक बार पूरा बाइक्स का नज़ारा दिखाता हूं। बाइकर्स के लिए तो उनकी बाइक ही उनका धर्म है। और आज 26 जनवरी वाले दिन सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, फ्लैग सेरेमनी करेंगे अभी। और ये है रिजॉर्ट कैंप सांबर। उस दिन हमारे रास्ते में पड़ा था जब हम सैटरडे को आए थे, लेकिन हम रुके नहीं थे तो आगे चले गए थे उस दिन। हमें उस दिन कैंपिंग करनी थी, आज सिर्फ हम डे राइड पे आए हैं। ये है राइडर्स की ठाट, ये देखो शौक के लिए आदमी टाइम पैसा सब डिवोट करता है। कुछ ऐसे बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं कर रहा है। ऐसा लगा था, ऐसा फील हुआ था कि पता था। भैया
वसीम भैया ये वो दे दो, डंडी दे दो, अपना तिरंगा शान से लहराता हुआ। आज का इवेंट लगभग खत्म हो गया, अब यहाँ से निकलेंगे लेक की तरफ। आधे लोग तो जा चुके, जो बचे हैं वो लोग जाएंगे लेक पे।